नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। राजद और लालू परिवार के अंदर मचे घमासान पर नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। ये जो घमासान है अभी तक शांत नहीं हुआ है और सत्ता पक्ष के नेता लगातार इस मसले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि नीरज बबलू ने आज बड़ी बात कह दी है, लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है और तेज प्रताप यादव को बधाई देते नजर आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि नीरज बबलू मीडिया के सामने कहते नजर आए कि तेज प्रताप यादव एक टैलेंटेड आदमी है। उनके समझ के हिसाब से तेज प्रताप जी को अपने पार्टी के अंदर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आरजेडी का छात्र विंग पूरी तरह से निकम्मा हो चुका है। तेज प्रताप यादव जी को अब उस पर विश्वास नहीं रह गया है। इसी वजह से तेज प्रताप यादव अपनी एक अलग पार्टी बनाए हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। इस तरह से नीरज बबलू बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आए तेज प्रताप यादव को। आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू। देखिए, हमने पहले कह चुका है कि तेज प्रताप जी टैलेंटेड आदमी हैं और उनको अपने टैलेंट के हिसाब से अपने पार्टी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, और हम समझते हैं कि आरजेडी का जो छात्र विंग है या पूरा विंग है वो पूरी तरह निकम्मा हो चुका है, उनको उस पर विश्वास नहीं रह गया। तो टैलेंट का अपना उपयोग करते हुए तेज प्रताप जी अगर अपनी पार्टी बनाए, अलग से अपना छात्र विंग बनाए हैं, हम उनको शुभकामना देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, अपना उपयोग करें अपने टैलेंट का और जनता का काम करें। आपको लगता है कि बंटवारा मतलब नहीं है? हम तो सीधे तौर पर, अगर आरोप लगाने की बात आएगी तो हम तो सीधे तौर पर लालू प्रसाद जी को कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अपने परिवार में सामंजस्य नहीं रख सकता है, अपने परिवार को संभाल के उनके टैलेंट के हिसाब से उनको जगह नहीं दे सकता है, वो आदमी राज्य में क्या कर सकता है, राज्य के लोगों के साथ क्या कर सकता है। तो उनको सबसे पहले जो परिवार में टैलेंटेड लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको जगह देना चाहिए। ये तो परिवार में ही भेदभाव हो रहा है। तो तेज प्रताप जी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, उनको उसके हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो अपने टैलेंट का उपयोग कर रहे हैं, अलग से छात्र विंग बना रहे हैं, तो हमको हमारी शुभकामना है। अलग से पार्टी बनाना चाहे, हमारी शुभकामना है। पार्टी बनाए, विंग बनाए, काम करे, हम लोगों की शुभकामना है। अपने हर व्यक्ति को अपने टैलेंट का उपयोग करने का क्षमता होना चाहिए, काम होना चाहिए, पूरा प्लेटफॉर्म है, अपना लोग काम करे, अच्छी बात है। तो आपने सुना नीरज बबलू ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, नीरज बबलू ने लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला और हमला बोलते हुए साफ कहा है नीरज बबलू ने कि आरजेडी के अंदर, लालू परिवार के अंदर जो पारिवारिक कलह है वो लालू प्रसाद यादव की वजह से उत्पन्न है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को सम्मान नहीं दिया पार्टी के अंदर और ना ही परिवार के अंदर, जिस वजह से यह कलह जो है ये उत्पन्न हुआ है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।